me a thumbs up if you can see my screen. Yes, it's visible. Great, okay. मैं आगे बढ़ती हूँ. जैसे प्राची ने बात किया, हम इस सेशन में दुनिया सबकी डिजिटल लाइब्रेरी की बात करेंगे. उसकी जर्नी की बात करेंगे, वो शुरू कैसे हुई थी, उसके बारे में बाद में और बात करेंगे. लेकिन पहली बात कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी है क्या, हमारे लिए TCLP में डिजिटल लाइब्रेरी का क्या मतलब रहा है, क्या मकसद रहा है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करूँगी. आप अपने स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि एक स्क्रीनशॉट है ये, साथ में एक स्टोरी का कवर पेज है, बेटियां भी चाहें आज़ादी, गर्ल्स टू वांट फ्रीडम. दिस इज पब्लिश्ड बाय प्रथम बुक्स. एंड लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि किसी का चित्र भी है. ये हमारी स्टूडेंट लीडर रही हैं, इंटर्न रही हैं और अब लाइब्रेरियन हैं, सिम्पी. और ये जो चित्र है, ये एक स्क्रीनशॉट है उनके वीडियो रीड अलाउड का. तो उन्होंने वीडियो बनाया जिसमें वो कहानी को पढ़ती हैं, ये रीड अलाउड करती हैं. जैसे हमने आज बात करी है रीड अलाउड कैसे होता है, ठीक वैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग बनाई. और इस वीडियो को हमने और बाकी सारे स्टोरी के वीडियोज़ को, रीड अलाउड के वीडियोज़ की तरह, हमने अपने डिजिटल लाइब्रेरी के चैनल पर शेयर किया है. और इस ये जो वीडियो है, इसके जैसे और कई सारे रीड अलाउड वीडियोज़ हैं जिन्हें हम डिजिटल लाइब्रेरी के ज़रिए ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में और रीडिंग लिंक के फॉर्म में शेयर करते हैं. तो शायद आप सोच रहे होंगे कि डिजिटल लाइब्रेरी क्यों, राइट? कि इसका मतलब हमारे ज़माने में, हमारे कम्युनिटीज़ के लिए, जब इंटरनेट का इतना प्रॉब्लम है, कनेक्शन का इतना प्रॉब्लम है, तो ऐसे में स्मार्टफोन नहीं है, ऐसे में डिजिटल लाइब्रेरी क्यों, राइट? तो ये सारे सवाल हमारे पास भी थे और हम अभी भी मानते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी स्पेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. पर हम ये भी मानते हैं कि जब हम एजिटेट करते हैं, जब हम कहते हैं कि पढ़ना और सोचना सबका हक है, कुछ गिने चुने लोगों का नहीं, सबका हक है, और तब हम इसे आगे बढ़ाएं और सोचें कि इस जमाने में डिजिटल रीडिंग रिसोर्सेज का, जो ऑनलाइन रीडिंग रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है, उस पर भी सबका हक होना चाहिए. वो ऐसा है कि कई सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ऑनलाइन एजुकेशन है जो चल रहा है आजकल हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, और वो फ्री होंगे शायद. लेकिन हमें पता है कि शायद हमारी कम्युनिटीज़ के लिए ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि डेटा कम है, राइट? या फिर एक्सेस करने का की नॉलेज नहीं है, वो डिजिटल लिटरेसी का लेवल नहीं है. तो जब हम एजिटेट करते हैं, हमें ये भी बोलना है कि इन रिसोर्सेज पर, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी पर और डिजिटल रिसोर्सेज पर, ऑनलाइन एजुकेशन पर भी सिर्फ गिने चुने लोगों का हक नहीं हो सकता है. हमें अपनी तरफ से वी हैव टू बिल्ड, हमें बिल्ड करना है कि जो हमारे मेंबर्स की नीड्स और लिमिटेशंस हैं, उनको मन में रखते हुए हम भी एक्सेस बिल्ड करने की कोशिश करें. तो ये हमारे एक तरह से एजुकेशनल काम भी है कि हमारी कम्युनिटीज़ का, हमारे रीडर्स का भी हक है इन रिसोर्सेज पर, का भी हक है टेक्नोलॉजी पर. तो हमारी डिजिटल लाइब्रेरी हर स्टेप पर अपने मेंबर्स की नीड्स और लिमिटेशंस के बारे में सोचती है. हमारी डिजिटल लाइब्रेरी लो डेटा यूज़ है, एक्सेसिबल होने का हर कोशिश है. हम जो भी शेयर करते हैं अपनी डिजिटल लाइब्रेरी के ज़रिए, वो फाइल्स कंप्रेस होती हैं जितनी छोटी वो हो पाएँ, यानी वो जितना कम इंटरनेट डेटा इस्तेमाल कर पाएँ उतनी छोटी. हम चॉइस भेजते हैं, हम अगर वीडियो भेज रहे हैं तो हम साथ में ऑडियो भी भेजते हैं और रीडिंग लिंक भी भेजते हैं, और साथ ही साथ हम ट्यूटोरियल्स भी भेजते हैं. क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को ऑनलाइन डाल दें, अगर आप एक रीड अलाउड वीडियो रिकॉर्ड करके उसे यूट्यूब या इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डाल दें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल हो जाता है. इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली नहीं है कि अच्छा कोई भी उसे खोल के देख सकता है, उसका एक्सेस बिल्ड करना पड़ता है. हमें ट्यूटोरियल वीडियोज़ की ज़रूरत है कि हम वो स्किल्स बिल्ड करें जो लिटरेसी और टेक्नोलॉजी को साथ मिलाती हैं. हमने अपनी दुनिया सबकी लाइब्रेरी को एक प्लेटफॉर्म पर बनाया जो हमें पता था कि हमारे मेंबर्स जिनके पास स्मार्टफोन है वो यूज़ करते हैं.
वो प्लेटफॉर्म है व्हाट्सएप, दैट इज द मेन, वो मेन चीज है जिसके जरिए हमारी डिजिटल लाइब्रेरी चलती है. और भी कई कई रूप हैं जिसके बारे में प्राची बाद में बात करेगी. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने एम्फोसाइज किया है कि हम एक डिजिटल लाइब्रेरी अगर बना रहे हैं और हमें पता है कि वो एक रिप्लेसमेंट नहीं है, तो हम क्यों बना रहे हैं और हम कैसे बना रहे हैं. तो पहली बात, दुनिया सबकी क्या है और वो क्या हम क्या शेयर करते हैं दुनिया सबकी ऑनलाइन लाइब्रेरी पर. कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर हैं दुनिया सबकी, मेन है व्हाट्सएप, और हम शेयर करते हैं उसमें रीड अलाउड वीडियोज़, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट में अभी दिखाया आपको. रीड अलाउड वीडियोज शेयर करते हैं, लेकिन साथ में पढ़ने का और भी मटेरियल शेयर करते हैं जो कोई खुद से पढ़ पाए. हम लाइब्रेरी के बारे में ज़रूरी जानकारी भी अपने डिजिटल लाइब्रेरी पर शेयर करते हैं. हम छोटे वीडियोज़ बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, ऑडियो क्लिप्स भेजते हैं, हम एक्टिविटीज़ भी भेजते हैं अपने रीडर्स के लिए. और साथ ही साथ हम बहुत ज़रूरी जानकारी जो शायद लाइब्रेरी से उतनी रिलेटेड नहीं है लेकिन हमारे काम से रिलेटेड है, वो है कि जब लॉकडाउन हुआ तो राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कहाँ थे, इस तक की जानकारी हमने शेयर करी. हमने कोरोना वायरस को लेकर इतनी जानकारी शेयर करी है अपनी डिजिटल लाइब्रेरी पर, क्योंकि हम एज इंफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट, हमारे लाइब्रेरियंस का काम ये है कि हम एक्सेस बिल्ड करें इंफॉर्मेशन की तरफ भी. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम शेयर करते हैं अपनी डिजिटल लाइब्रेरी पर. और हमारी, हम ये मानते हैं कि हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है दुनिया सबकी है, वो अपने मेंबर्स के बिना कुछ नहीं है. हमने स्टार्टिंग स्क्रैच से शुरू नहीं किया, हमने शुरू किया अपने मेंबर्स के साथ जो हमारा रिलेशनशिप ऑलरेडी था, हमारी जो फिजिकल लाइब्रेरी में जो हमारे मेंबरशिप रहा है उन्हीं के साथ, उन्हीं को जानते हुए, उन्हीं के नीड्स को जानते हुए हमने ये डिजिटल लाइब्रेरी बनाई है. इसके आगे हम ये भी समझते हैं कि ये दुनिया सबकी अगर रिप्लेसमेंट नहीं है फिजिकल लाइब्रेरी का, तो फिर क्या है. अब हम सोचने लग गए हैं कि ये एक एक्सटेंशन है, कि ये फिजिकल लाइब्रेरी को के कई कई गैप्स को फिल कर सकता है और उसके काम को कई कई तरह से आगे भी बढ़ा सकता है. और जब हमारी फिजिकल लाइब्रेरीज बंद रही हैं, तब हमने अपनी डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए ही जितना हम काम कर पाए हमने किया है. और इस सब के पीछे वही सोच है कि पढ़ने और सोचने पर सभी का हक है. और हमने दुनिया सबकी में जब हमने शेयर करना शुरू किया, जब हमने 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए अपने सारे मेंबर्स के, तब इसके पीछे ये भी सोच थी कि ये भी हमें जानकारी भी थी, सोच भी थी कि उस समय पर हमारे लाइब्रेरी मेंबर्स तक कोई और ऑनलाइन एजुकेशन नहीं पहुंच पा रहा था, उनके पास कोई और रीडिंग मटेरियल नहीं पहुंच पा रहा था. तो हमने उस समय पर ये शुरू किया है. और हम जब बात आई कि हु डू वी रीच, हमारी डिजिटल लाइब्रेरी किन किन लोगों तक पहुंचती है, करीब 1000 लाइब्रेरी से जुड़ी जो फैमिली मेंबर्स हैं उन तक पहुंचती है ज़्यादातर व्हाट्सएप के थ्रू. लगभग 1000 लाइब्रेरी के से लाइब्रेरी मेंबर्स से जुड़े फ़ोन नंबर्स हमारे 10 व्हाट्सएप ग्रुप्स पर जुड़े हैं. इसके साथ ही साथ 2 और व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, जिसमें करीब 200 लाइब्रेरियंस हैं. शायद TCLN से भी कई सारे लोग होंगे उस व्हाट्सएप ग्रुप पर. ये है लाइब्रेरियंस और एजुकेटर्स जो इंडिया में कई कई अलग अलग जगह से हैं, जिन तक हमारी डिजिटल लाइब्रेरी का रीडिंग मटेरियल के रीड अलाउड्स उन तक पहुँचते हैं और वो उन्हें आगे शेयर करते हैं. और साथ ही साथ मैंने बोला कि 1000 लाइब्रेरी मेंबर्स की फैमिली तक हम पहुंचते हैं, इसमें से कई सारे लाइब्रेरी मेंबर्स ऐसे हैं जो पिछले साल लॉकडाउन के समय शहर उन्हें छोड़ना पड़ा और वो अभी तक वो वापस नहीं आ पाए हैं. ये एक प्रश्न है कि क्या वो वापस शहर आ पाएंगे, क्या उनकी फैमिलीज वापस आ पाएंगी. लेकिन इस समय पर हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसी ने उनको पढ़ने और रीड अलाउड से जोड़ कर रखा है. वो उनका वो इसी माध्यम से वो जुड़े हुए हैं, एक्सेस टू बुक से और थिंकिंग थ्रू बुक से. तो ये कुछ चीज़ें हैं दुनिया सबकी डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में. हमने सबसे सामने रखा है कि हमारी मेंबर्स की नीड्स क्या हैं, कि हम कैसे एक डिजिटल लाइब्रेरी बना सकते हैं जो रेलेवेंट है, जो मीनिंगफुल है,
जो हर कोई खोल सकता है। तो और इस सब के पीछे ये भी सोच है कि किसी चीज को ऑनलाइन रखकर वो एक्सेसिबल नहीं बन जाता। हम जब डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कुछ भी शेयर करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, हम हर एक स्टेप का सोचते हैं कि अच्छा अगर हमने ये चीज व्हाट्सएप ग्रुप पर डाली है तब मेंबर को कितने स्टेप्स लेने होंगे कि वो उस मटेरियल तक पहुंच पाए। तो ये है कुछ चीजें, ये है कुछ सोच दुनिया सबकी डिजिटल लाइब्रेरी के पीछे। और इसके आगे बुक सिलेक्शन पर थोड़ा सा सुमित बात करेंगे। सुमित प्राची यस, थैंक यू सो मच जोया। जोया ने कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात छेड़ी है। वो क्योंकि एक ओवरव्यू दे रही थी, तो वो उन्होंने किसी भी टॉपिक पर अभी डेप्थ में बात नहीं करी, क्योंकि हम आगे के सेशन में वो करेंगे। हम हर एक मुद्दे, जैसा जोया ने बात करी कि हम बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म से सेट कर सकते हैं, हमें मेम्बर्स के बारे में सोचना कि नीड्स क्या है, कि कैसे मेटीरियल उन्हें एक्सेसिबल होगा, हम इस पर डिटेल में आगे के सेशन में चर्चा करते रहेंगे। अभी हम लोग, जैसा जोया ने बताया कि हम बुक सिलेक्शन पर बात करेंगे, हम बुक सिलेक्शन पर यहाँ इसलिए बात करेंगे क्योंकि जब हम डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये भी था कि हम कैसे तय करें कि हमें क्या कहानी आज भेजनी है, क्या कल भेजनी है। और आई थिंक ये लाइब्रेरी में भी जब हम रोजाना रीड अलाउड करते हैं या फिर बच्चों के साथ किताबों से जुड़े काम करते हैं, तो ये सोचते रहते हैं कि किस तरीके से किताबें चुनी जाए, कौन सी किताबें सही होंगी। तो सुमित को मैं इनवाइट करूंगी कि वो इस बारे में थोड़ी सी बातचीत करें, वो बताएं कि किस तरीके से हम एक कहानी को सिलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू प्राची मैम। तो हाँ, ये जो बुक सिलेक्शन है ये सिर्फ डिजिटल लाइब्रेरी और तक नहीं है, मतलब डिजिटल लाइब्रेरी, फिजिकल लाइब्रेरी में सिर्फ रीड अलाउड के लिए भी नहीं कि आपकी लाइब्रेरी में क्या कलेक्शन हो उसके लिए भी जरूरी हो सकता है। तो स्टोरी सिलेक्शन क्योंकि बहुत जरूरी हिस्सा है रीड अलाउड का भी और लाइब्रेरी का भी, और स्टोरी या कहानी चुनने के बहुत सारे अलग तरीके हो सकते हैं और सबकी अलग अलग सोच हो सकती है बुक्स को चुनते हुए रीड अलाउड करने के लिए, लाइब्रेरी में रखने के लिए। तो मैं इन्हीं सब पे कुछ बात करूंगा। जब आप रीड अलाउड कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप जब बुक चुन रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रीड अलाउड का मकसद क्या है। जरूरी है ये ध्यान में रखना कि आपका मकसद आपके रीड अलाउड से क्या है, क्या आपको एक अच्छी कहानी सुनानी है, क्या आपको सोचना समझाना है, कि आपको कोई जरूरी जानकारी उन्हें बतानी है, या फिर आपको किसी जरूरी और गंभीर मुद्दे पे उनसे बात करनी है। तो मकसद सोचना बहुत जरूरी है। ये सोचते हुए कि आप क्यों रीड अलाउड कर रहे हो, आपको सोचना होगा कि आपकी रीड अलाउड स्ट्रेटेजी क्या है, उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है रीड अलाउड पे। अब जैसे मैं एक्ट करके कभी भी कहानी नहीं सुना सकता, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ऐसी कहानी चुनूँ जो एक आवाज में चल रही है, जो मैं सुना सकता हूँ आसानी से। और ये भी ध्यान में रखना है कि आप हर तरीके का रीड अलाउड नहीं दे सकते, तो आप वो कीजिए जो आप करते हैं, और बाकी और भी रीड अलाउड और लोगों से मिलते रहेंगे आपके मेंबर्स को, तो आप अपने ऊपर भी हार्ड ना जाए कि मैं हर तरीके का रीड अलाउड कर सकता हूँ। और आपको जानना होगा कि आपके मेंबर्स, आपके जिस ग्रुप को आप सुना रहे हैं, आपकी ऑडियंस कौन है। कहानी चुनते वक्त आप ध्यान में रखनी है कि आपके मेंबर्स कौन है, किसको आप ये कहानी सुना रहे हैं, उनकी उम्र क्या है, क्योंकि मुझे लगता है एक 8 साल का बच्चा शेरलॉक होम्स की कहानी कभी भी पसंद नहीं करेगा, वो ओलिवर जेफर्स की लॉस्ट एंड फाउंड इस तरीके की कहानियों को ज्यादा पसंद करेगा, ना कि शेरलॉक होम्स को। तो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि आपका ग्रुप क्या है। आप कहानी चुनते वक्त आपको ये भी सोचना है कि आप जो कहानी चुन रहे हैं क्या बच्चों को उसकी थोड़ी सी भी उसमें की गई बातों के बारे में थोड़ा सा भी पता है, या बिल्कुल नहीं पता है, तो आप उस हिसाब से ही कहानी को चुनिए। अगर उन्हें कुछ नहीं पता है तो आप उस हिसाब से उस लेवल की बातों को चुनिए उनके साथ करने के लिए, या फिर क्या ये कहानी उन्हें चाहिए भी या नहीं, क्योंकि उनकी प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप पहले रीड अलाउड से या लाइब्रेरी शुरू करते वक्त समझ जाएंगे कि आपकी कम्युनिटी में मेंबर्स को क्या चाहिए। आप रीड अलाउड करते रहेंगे, आपकी लाइब्रेरी चलती रहेगी, आप एक्सेसिबल होंगे, आते रहेंगे लोग, तो वो आपको खुद ही खुद आपको आइडिया लगता रहेगा, और वो भी आपको बताते रहेंगे कि उन्हें किस तरीके की कहानी चाहिए, किस तरीके की किताबें उनको पढ़ना पसंद आ रहा है। और ये भी ध्यान में रखना है कि क्या आपकी कहानी इंक्लूसिव है, मतलब देखना है आपको कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस कम्युनिटी की है, क्या आपका चुने कहानी जो कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट ना करे, या ऐसी बुक्स चुने जो उनको एक्सक्लूड ना कर दे उसमें से। जैसे प्रथम बुक्स की एक कहानी है कचरे का बादल, तो वो हमारी लाइब्रेरी में है पर हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसका रीड अलाउड ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है हमें कि वो हमारी कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट कर सकते हैं। तो आपको भी ये सोचना है कि जो कहानी आप रख रहे हैं या जो कहानी आप रीड अलाउड कर रहे हैं, रखना तो जरूरी है क्योंकि हर तरीके का लिटरेचर मिलना चाहिए, बट आप जब रीड अलाउड कर रहे हैं तो ये सोच के भी रीड अलाउड कीजिए। अगर करना भी है तो आप
स्ट्रेटजीज देख सकते हैं कि किस तरीके से आप उनको कर सकते हैं, और तीसरा ये कि क्या आपने स्टोरी को एंजॉय किया, मतलब ये भी ध्यान रख सकते हैं पढ़ते वक्त कि क्या कहानी को आपने एंजॉय किया, क्या कहानी एंजॉयबल है भी या कोई भी बोरिंग कहानी है। कि आप किसी को कोई बुक रेकमेंड करोगे, कुछ भी करोगे, तो आप तभी करोगे ना जब आपको बहुत मजेदार लगेगी, अच्छा मैंने ये किताब पढ़ी आप भी पढ़ना। तो जब तक आप कहानी से नहीं जुड़ेंगे, जब तक आप कहानी को लेकर पैशनेट नहीं होंगे, तो बहुत कम चांसेस है कि आपके मेंबर्स भी आपके साथ उस कहानी से जुड़ पाएंगे। या घुस तो नहीं रहा है, कोई कुछ बोल रहे सुमित, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो ये कुछ तरीके थे कहानी के, और चुनते वक्त बहुत सारे ऐसे मन में सवाल आते हैं क्योंकि हम सब लाइब्रेरीज को लेके बहुत पैशनेट हैं, अपने मेंबर्स को लेके पैशनेट हैं, और हम कई बार सोचते हैं कि चलो ठीक है आज हम कास्ट से रिलेटेड कोई कहानी सुनाते हैं, या जेंडर से रिलेटेड, या वॉर से रिलेटेड, या किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, या डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, हम सबके मन में ये डिफिकल्ट डिफिकल्ट थीम्स आती हैं। पर इन कहानियों को चुनते वक्त मन में बहुत सवाल आते हैं, और जो बहुत आम से सवाल है जो हम सबके मन में चलते हैं, सब मतलब TCLP में हम सब लाइब्रेरियंस के मन में भी चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं इस पर, तो वो ये सब वो सवाल ये होते हैं कि क्या कहानी बच्चों को सुनाना सही होगा ये कहानी, या उनकी उम्र तो शायद कम है, हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। पर मुझे लगता है जो हम कल भी बात कर रहे थे एक्सेस और इंक्लूसिव होने की, और अभी तक रीड अलाउड के बारे में जो बात की है, वो सब इसका जवाब खुद दे देते हैं। हम एक्सेस देना है तो हमें किसी भी तरह की कहानी किसी से भी क्यों छुपाए, सबको हक है हर तरह की कहानी जानने का, सब सच जानने का। और एज अ लाइब्रेरी और एज अ लाइब्रेरियन मुझे लगता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा ये रोल रहता है कि हम वो बातें करें जो हमारे समाज में चल रही हैं, या हमारे इतिहास के बारे में बात करें, या आने वाला टाइम हमारे लिए कैसा हो सकता है, जो कुछ चल रहा है समाज में उसको देखते हुए, तो ये सब बातें करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि जब हम सोचते हैं कि बात करते हैं और सोच बढ़ाने की, तो उसमें भी ज़रूरी होता है कि आपके मेंबर्स तक वो टूल पहुँचे, और वो टूल्स बस खुशी खुशी वाली कहानी से नहीं पहुंचेंगे, जो समाज में हो रहा है वो उन्हें भी जानने का हक है। और मुझे लगता है हक से ज्यादा ये है कि वो जानते हैं पर उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको किसी ने टूल्स नहीं दिए हैं सोचने के। उन्हें बताया तो गया है कि लड़ना गलत है, पर क्यों गलत है ये नहीं पता। उन्हें पता है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना, पर क्यों नहीं दिखाना, ये नीचा दिखाना शुरू ही कहाँ से हुआ। उन्हें पता है कि पापा मम्मी को रोज मार रहे हैं, पर उन्हें ये हक कौन दे रहा है, या वो सही है या गलत है, इसमें क्या हो रहा है। अब बचपन में बहुत डोमेस्टिक, मैंने खुद बचपन में अपने घर में बहुत डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, पर मुझे कभी समझ नहीं आया कि अच्छा ये क्यों हो रहा है, शायद ये तो आदमी का हक हो सकता है। या मैंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपने स्कूल में बहुत देखा है, और मुझे नहीं पता था उस वक्त कि वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो इस तरीके की कहानियाँ उन्हें टूल्स देती हैं सब सोचने के लिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये बहुत, क्योंकि ये डिफिकल्ट थिंग्स पे हम बात करें और बहुत अलग अलग लोग इस पर बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो एक बार मैं एक संस्था में गया था TCLP की तरफ से, तो उसमें हमें बुक्स दी गई थी, और उसमें हमें एक लिस्ट भी दी गई, और उसमें हमें चुनना था कि आप कौन सी बुक्स अपने लाइब्रेरी में मेंबर्स के लिए रखना चाहेंगे। और उसके बहुत तरीके थे कि अच्छा इसकी, अगर आप इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, और आप इसको रख रहे हैं तो क्यों रख रहे हैं, और इसकी लैंग्वेज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इसकी कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये सब बहुत कुछ था उसमें। और मैंने देखा कि वहाँ पे लोग जो वॉर से रिलेटेड कहानी थी वहाँ सब उसको रिजेक्ट कर रहे थे, मतलब सबको लग रहा था कि वॉर के बारे में बच्चे नहीं जानेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा वॉयलेंस है, वॉर उनके लिए ठीक नहीं होगा भी जानना। पर मुझे उस टाइम मेरे मन में ये पहली बार सवाल आया कि ऐसा क्यों, मतलब उनको हर कहानी जानने का हक है। और अभी जैसे हम जिस दुनिया में हम इस टाइम जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों को सब पता है, उन्हें वॉर पता है, वो न्यूज़ पे देख रहे हैं कि हमारे न्यूज़ एंकर्स हमेशा बोल रहे हैं पाकिस्तान को उड़ा देंगे, वो अपने देश में ऐसा देख रहे हैं कि किसी भी कम्युनिटी को जाके हम अटैक कर रहे हैं, तो उन्हें तो ये सब देखने को मिल रहा है, बट उनको वो सोचने के टूल्स कहीं से नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम उनसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सच को, जो कि हम नहीं छुपा सकते कि वो भी हमारी तरह इस समाज में ही रहते हैं। तो हम इस तरीके से कहानियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ऐसा कुछ हो रहा है हम इन तरीके की कहानियों को उठा के उनके बारे में बात कर सकते हैं, कि अच्छा आपको पता है कि ऐसा चल रहा है, बट आपको क्या लगता है कि ये क्यों चल रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। इस तरीके से तो उन्हें हक है हर चीज़ को जानने का, हक से ज़्यादा कि वो जानते भी हैं। पर अब सवाल ये भी है कि आप किस तरीके से इन थीम्स को लेके जाएंगे मेंबर्स तक, क्योंकि ये मुश्किल थीम्स हैं और बहुत मुश्किल हैं, और कभी कभी ये आसान हो सकती हैं, मतलब ये मुश्किल थीम्स हैं बट ये आपके लिए आसान हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, आपकी ऑडियंस
किस उम्र की है उस पर डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है कि आपके ऑडियंस के साथ आपका रिश्ता कैसा है, तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। और जब मैं खुद इस तरीके के थीम्स पे बात करता हूँ, तो मैं उस वक्त उन्हें उठाता हूँ जब मुझे लगता है कि अभी अच्छा कुछ ऐसा चल रहा है, मेंबर्स ने इसका सुना होगा, या मैं खुद लाइब्रेरी में उनको किसी टॉपिक पे बात करते सुनता हूँ, तो फिर मैं उन्हें बोलता हूँ अच्छा आपको पता है इससे रिलेटेड कहानी या कविता क्या आप सुनना चाहेंगे ऐसा कुछ। तो जैसे अभी जब 2019 में CNRC का बहुत चर्चा चल रहा था और पूरे देश में, और हमारी लाइब्रेरी में हमें ज़रूरी लगा था कि हमें भी इस टॉपिक पे बात करते रहना चाहिए, और डिस्कशन हमारी लाइब्रेरी में बहुत उससे चल रहा था इसमें, और यही डिस्कशन मेंबर्स के बीच में भी चल रहा था, और मैं वहाँ बैठा हुआ था, वो दूर डिस्कशन कर रहे थे बट मैं थोड़ा थोड़ा उनको सुन पा रहा था। तो मैंने जब सुना और मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बोला कि अच्छा हाँ ये बात तो है कि ऐसा कुछ चल रहा है, पर आपको पता है कि इससे रिलेटेड एक कविता है जिसको अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुना सकता हूँ। तो मैंने वहाँ उनके साथ वो रीडल आउट किया, हालांकि वो कविता मैंने बहुत पहले सुन रखी थी बट मैंने सोचा था लाइब्रेरी में कभी उसका रीडल आउट करूंगा, बट मैं ऐसे ही किसी मौके का इंतजार कर रहा था कि कोई मौका आएगा और मैं उसको सुनाऊंगा मेंबर्स के साथ। तो आपको ढूंढते रहना, आपको सोचते रहना आपके काम के दौरान, और कई बार ऐसा भी हो सकता है जैसे कल के सिनेरियोज में भी हमने देखा कि कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं मेंबर्स के बीच ही, और आप एज अ लाइब्रेरियन है और आपको वहां पर आप देख रहे हो कि अच्छा दो बच्चे इस तरीके से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो मैं अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। जो कल हम सिनेरियोज में देखा हमने वो तो था कि हमें इंस्टेंटली उस पर फैसला लेना है, बट एज अ लाइब्रेरियन आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि जब ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है आपकी लाइब्रेरी में तो कैसे आप उसको धीरे धीरे उसके ऊपर बात कर सकते हैं, धीरे धीरे उनकी अंडरस्टैंडिंग जो वो खुद बोल रहे हैं जिस बारे में वो बात कर रहे हैं उनकी समझ को उसके बारे में बढ़ाना। तो आप उस टाइम पे भी इन इस तरीके के थीम्स को लेके जा सकते हैं उनके सामने, जैसे जेंडर से रिलेटेड कोई बात कर रहा है तो आप कोई कहानी उठा सकते हो, जैसे स्त्री का पत्र उठा सकते हो और पारो की कहानी उठा सकते हो, इस तरीके से आप बहुत सारी कहानियां उठा सकते हो। ये सारी डिफिकल्ट थीम्स फिजिकल लाइब्रेरी के लिए हिसाब से मैंने आपको बताया, बट डिजिटल में भी ये इसी तरीके से जा सकते हैं, क्योंकि जैसा भी हम देख रहे हैं जब लास्ट ईयर बहुत सारे केसेस बढ़े तो मजदूर जा रहे थे, तो शायद उस वक्त आपको लग सकता है कि अच्छा ये ऐसा चल रहा है मैं इसके ऊपर कहानी सुना सकता हूँ, जैसा अभी जो कुछ चल रहा है और जैसे इनइक्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके भी चलती है, वो आपके ऊपर है कि आप किस थीम्स के बारे में बात करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये मुश्किल है बट ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनसे इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि आप एज अ लाइब्रेरियन उनको ये पहुंचा सकते हैं बाकी, क्योंकि स्कूल में या कहीं और उनसे शायद इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे और उनको खुद लग रहा है कि अच्छा ये बातें करना तो गलत है, मैं टीवी पर सुन सकता हूँ कि पाकिस्तान को उड़ा दो बट मैं किसी बड़े से जाके ये नहीं पूछ सकता कि क्यों उड़ा दो। तो ये सवाल, ये सोच करने की आपको उन्हें हिम्मत देनी है। तो हाँ यही था मेरी तरफ से प्राची मैम इसमें। थैंक यू सो मच सुमित। आई थिंक आपने कुछ जो बातें करी उसमें मुझे एक चीज समझ आई कि शायद सबसे खास बात ये निकल कर आई कि जब हम सोच रहे हैं कि हमें कौन सी किताबें चुननी चाहिए कहानी सुनाने के लिए, तो उसमें हमें सोचना है कि हम कहानी क्यों सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं और कैसे सुना रहे हैं, और क्या और हमारे हाथ में क्या रिसोर्सेज हैं। एंड आई थिंक इन सबके बीच में शायद मेंबर्स हैं, हमारे जो मेंबर्स हैं वो सबसे सेंट्रल पॉइंट रहता है। एंड ये आई थिंक एक रनिंग थीम रहेगी हमारे आगे की डिस्कशन में भी कि हम अपने मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से सोचें और हम उनके बारे में सोचें। और ये हमारे अगले टॉपिक में भी बहुत खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि हम एक डिजिटल लाइब्रेरी को आखिर सेटअप क्यों करें और इसमें मेंबर्स के बारे में सोचना क्यों जरूरी है, हम इस पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अभी क्योंकि हमने जाना कि हम कैसे किताबें सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग अपनी किताबों और कहानियों के साथ तो तैयार हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें मेंबर्स तक कैसे पहुंचाया जा सके। तो एक तो जरिया ऑब्वियसली रहता है हमारी फिजिकल लाइब्रेरीज के थ्रू, जो चलता रहेगा, जो जो बहुत जरूरी है और हमेशा चलता रहेगा। पर जब लास्ट ईयर लॉकडाउन हुआ और हमें हमारी फिजिकल लाइब्रेरीज को बंद करना पड़ा, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था कि अब हम ये कहानियां बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, कहानियों के साथ साथ जो बाकी जरूरी जानकारी है वो भी हमारे मेंबर्स तक कैसे बताएं, उनके पेरेंट्स तक कैसे बताएं, उनकी फैमिलीज के पास बहुत सवाल थे जिसका जवाब देने के लिए कोई नहीं था। तो एक लाइब्रेरी के नाते हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम ये सब करें। तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क था हम सबके मन में कि ये कैसे करें। एंड हमें ये भी रियलाइज हो गया था कि ये बहुत अर्जेंटली इस मुद्दे को रिजॉल्व करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम व्हाट्सएप के जरिए अपने मेंबर्स के साथ जुड़ सकते हैं,
पर शायद कभी इतनी अर्जेंसी फील नहीं हुई थी कि हमें अभी के अभी जुड़ना जरूरी है। तो जब ये अर्जेंसी आई तो हम लोगों ने इमिजिएटली ये प्रोसेस शुरू किया, और ये इतना फास्ट प्रोसेस था कि हम लोगों ने 10 दिन, 10-15 दिन के अंदर अंदर हमारी डिजिटल लाइब्रेरी तैयार थी और हम मेंबर्स तक वर्चुअल माध्यम से हम जोड़ पा रहे थे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इन सबके बीच में सेंट्रल था मेंबर। हम लोगों को सोचना था कि मेंबर्स तक कैसे पहुंचे, हमें सोचना था कि मेंबर्स के पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हम एक चीज तो समझ गए थे कि सभी मेंबर्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, तो यानी जिन मेंबर्स के पास स्मार्टफोन्स नहीं है उन तक हमें पहुंचने के लिए शायद फोन कॉल्स की मदद लेनी होगी। पर जिन मेंबर्स के पास स्मार्टफोन्स थे वो शायद हमारी वेबसाइट खोल के वहां से जानकारी नहीं ले पाएंगे, या हम अगर यूट्यूब पर वीडियोस डालें तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे कि उसके लिंक को कैसे खोलना है, या फिर वो अपने आप यूट्यूब पर सर्च करके वो उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारे लिए जरूरी था कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाइब्रेरी को सेटअप करें जो हमारे मेंबर्स तक पहुंच सके, जहां हमारे मेंबर्स आसानी से जिसको इस्तेमाल कर सके, जिस पर कंटेंट ऐसे फॉर्मेट में हो जो उनके लिए आसान हो इस्तेमाल करना, और जिससे हम लोग ये भी समझ सके कि मेंबर्स की क्या जरूरतें हैं, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो हमने, जैसे जोया ने बताया, हमने बहुत अर्ली स्टेजेस में ये तो आइडेंटिफाई कर लिया था कि व्हाट्सएप ही वो माध्यम है जो सबसे ज्यादा एक्सटेंसिवली हमारे मेंबर्स यूज करते थे। तो इसलिए हमारी जो डिजिटल लाइब्रेरी की शुरुआत हुई वो व्हाट्सएप के जरिए हुई, हमने व्हाट्सएप पर चैनल्स बनाए। तो यानी पहला स्टेप किसी भी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी बनाने के लिए ये, हम पहचाने कि हमारे मेंबर्स के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, और हम उसी प्लेटफॉर्म पर हमारी लाइब्रेरी को सेटअप करें। उसमें कंटेंट भी हम उसी फॉर्मेट में बनाए जो उनको एक्सेसिबल हो। और क्योंकि अब एक बार हमने प्लेटफॉर्म सेटअप कर लिया व्हाट्सएप पर, हम कैसे हमारे मेंबर्स से जुड़े वापस से, क्योंकि एक गैप आ रहा था, हमें दिख रहा था कि हम रोज एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, हम काफी डिस्टेंस पर लोकेटेड थे। तो हमें ये चीज समझ में आई उस समय पर कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जो हमारी हमारे मेंबर्स का उनकी लाइब्रेरी के साथ रिश्ता है, जो कम्युनिटी के उनकी लाइब्रेरी के साथ रिश्ता है, एंड वो ही रिश्ता है जिस पर बिल्ड करके हमें इस लाइब्रेरी को सेटअप करना है। शायद अगर हमारी फिजिकल लाइब्रेरीज उस टाइम तक इतनी इतनी स्ट्रांग, हमारी अगर फिजिकल लाइब्रेरीज इतनी स्ट्रांग ना होती जितनी कि वो आज है, अगर हमारे मेंबर्स का इतना स्ट्रांग रिलेशनशिप ना होता लाइब्रेरीज के साथ, उनका रोजाना इतना आना जाना ना होता, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी डिजिटल लाइब्रेरी भी एक सक्सेसफुल लाइब्रेरी बन सकती थी, या फिर हमारे मेंबर्स उस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करते। वो इस लाइब्रेरी को इसलिए इस्तेमाल कर पा रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि कौन लोग हैं जो कंटेंट भेज रहे हैं, उनका एक भरोसा था, उन्हें मालूम था ये कंटेंट अगर हमारी लाइब्रेरी की ओर से आ रहा है तो शायद ये सही है, मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ। हाँ, ये वही मैम है जिन्हें मैंने लाइब्रेरी में भी, मैं जिनसे रोज कहानियां सुनती हूँ, वही मैम इस वीडियो में भी दिख रही है कहानी सुनाते हुए। तो वो एक फेमिलियर चेहरे को देखना, उन फेमिलियर नाम को देखना, उनसे फोन पर बात करके जानना कि हम लोग ये लाइब्रेरी सेटअप कर रहे हैं, तो ये जो एक हम लोगों ने हमारे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को यूज करके एक ऑनलाइन लाइब्रेरी सेटअप करी, दैट वाज द की टू सक्सेस इस ऑनलाइन लाइब्रेरी का। और इसके लिए ये भी जरूरी था कि रिलेशनशिप म्यूचुअल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और कम्युनिटी में से आ रहे मेंबर्स हम पर डिपेंडेंट है। आई थिंक वो रिलेशनशिप एक एक बहुत ही फ्लॉड रिलेशनशिप है, एंड इट 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 वोंट बी सक्सेसफुल। आई थिंक हमें यहाँ पर, कल हम जब ओनरशिप की बात कर रहे थे, हमें उसके बारे में दोबारा सोचना जरूरी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप इस आइडिया पर बिल्ट है कि जिन मेंबर्स तक हम पहुंच रहे हैं वो एक्चुअली इस लाइब्रेरी को ओन करते हैं, तो इसलिए उन्हें पूरा हक है वो हमें फीडबैक दे, वो हमें बताए कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा, वो हमसे सवाल पूछ सके। और उसी से जुड़े अगली बात आती है कि हम लोग ये समझे कि हमारे इस लाइब्रेरी का मकसद क्या है, और हमारे इस लाइब्रेरी का मकसद भी हमारे मेंबर्स से ही निकल कर आता है। जब वो हमें हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हमें अपने रिस्पॉन्सेस दे रहे हैं, तब हम समझ पा रहे हैं कि उनकी क्या जरूरतें हैं। जब हम कम्युनिटी वॉक पर जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, जब हम उनसे फोन पर बातचीत कर रहे हैं, जब वो लाइब्रेरी में आ रहे हैं और किताबें बदलवाते समय हमें बता रहे हैं कि उन्हें कौन सी किताब अच्छी लगी कौन सी नहीं, तो वो हमें ये भी बता रहे हैं कि उन्हें किस किस कंटेंट की जरूरत है, उन्हें किस किस तरह की जानकारी की जरूरत है, किस किस तरह के गैप्स एग्जिस्ट करते हैं।
तो हमें ये पर्पस को आइडेंटिफाई करना है कि किस पर्पस को हम फुलफिल कर रहे हैं। जैसे जब हमारी फिजिकल लाइब्रेरीज बंद हुई तो हमें रियलाइज हुआ कि हमें कुछ बहुत ज़रूरी गैप्स को फुलफिल करना है। हमारे मेंबर्स किताबों को एक्सेस नहीं कर पा रहे, वो स्कूल नहीं जा रहे तो उन्हें कोई एजुकेशनल कंटेंट नहीं मिल रहा है। हमें मालूम था कि बहुत सारे क्योंकि एक एक बीमारी फैली हुई है और उससे जुड़ी जानकारी मेंबर्स तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। तो ये सारे हम लोगों ने जब आइडेंटिफाई किए मुद्दों को, तो हमें रियलाइज हुआ कि यही हमारे गैप्स हैं जिन्हें हमें इस ऑनलाइन लाइब्रेरी से फुलफिल करना है। और इसी के बेसिस पर हमने कंटेंट बनाना शुरू किया। हमने कंटेंट बनाया जो इन सब गैप्स को फुलफिल कर सकता था। साथ ही जैसे जोया ने बताया कि ये कंटेंट हमें ऐसे फॉर्मेट में बनाना था जो मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल हो, तो हमने इसलिए उन्हें वीडियो फॉर्मेट में भी बनाया, हमने इन्हें ऑडियो फॉर्मेट में बनाया, हमने इन्हें पिक्चर फॉर्मेट में भी बनाया। और हमने इंश्योर किया कि ये ऐसी क्वालिटी हो जो कि जिससे कंटेंट को इजीली समझा जा सके। हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हम पुअर क्वालिटी का कंटेंट सबको भेजें। हमारे मेंबर्स का हक है कि उन्हें बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिले, तो इसलिए उस पर खास ध्यान दिया गया। एंड देन ऑब्वियसली इंश्योरिंग कि वो कंटेंट सही समय पर मेंबर्स के पास पहुंच सके। अगर उन्हें कोविड से जुड़ी जानकारी आज चाहिए तो मैं 10 दिन बाद वो जानकारी भेजूंगी तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो जरूरी है कि उसे सही समय पर भेजा जाए। और साथ ही मेंबर्स के लिए ये भी जरूरी है कि एक वो रूटीन में एस्टैब्लिश हो, खासतौर पर अगर वो अगर बच्चे हैं तो उनके लिए तो और भी जरूरी है कि जो वो उनका रूटीन है उस समय पर उन्हें कहानियां मिले। एंड आर मेंबर्स वर सो यूज्ड टू दीज रूटीन्स कि अगर 10 बजते उनके पास सुबह कहानी नहीं आती थी तो उनका व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाता कि मैम आज की कहानी कहाँ है। तो वो इंतजार करते हैं, वो एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करते हैं। और इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम उन्हें एक रूटीन के हिसाब से कॉन्टेंट को प्रोवाइड करें, उस कॉन्टेंट के साथ कुछ कैप्शन और टेक्स्ट को भी जोड़े जिससे कि उन्हें सोचने के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिल सके और वो ज्यादा इंटरेक्टिव पोस्ट बन सके। और साथ ही साथ हम सब मेंबर्स को इनवाइट करें कि वो हमें फीडबैक शेयर करें, चाहे वो हमें वो मैसेज करके हमें फीडबैक देते थे, वो कई बार कॉल करके हमें फीडबैक देते थे, पर ये फीडबैक से हमें मदद मिलती थी कि हम कंटेंट को उनकी जरूरत के हिसाब से बना सकें। और क्योंकि हम बात कर रहे थे कि क्या क्या कि क्या क्या प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं जिन पर हम इन लाइब्रेरीज को होस्ट करें, तो हम लोगों ने हमारी जैसे शुरुआत करी व्हाट्सएप से क्योंकि वो हमारे मेंबर्स के लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल था। पर हमने अपनी लाइब्रेरी को यूट्यूब पर भी सेटअप किया क्योंकि वो हमें क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करता था जिसकी हेल्प से हम मेंबर्स तक वाइडर रीच पहुंचा सकते थे। इसके थ्रू हम लोग हमारे मेंबर्स के बियॉन्ड भी और जो लोग हमारे कंटेंट को यूज करना चाहते उसको यूज कर सकते थे। हमने एक वेबसाइट भी सेटअप करी जो कि एक प्रॉपर लाइब्रेरी की तरह सेटअप की गई। उसकी मदद से ये फायदा हुआ कि मेंबर्स के पास घर बैठे बैठे एक लाइब्रेरी है। उन्हें हमेशा इंतजार नहीं करना कि हम जब स्टोरी भेजेंगे तब वो उस पढ़ सकेंगे, वो वेबसाइट यूज करके अपने मर्जी से अपने समय के हिसाब से कभी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ तक कि बाकी टीचर्स और एजुकेटर्स भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। हम टेलीग्राम पर भी सेटअप कर रहे हैं जो कि एक आर्काइव के फॉर्म में है। तो उसका ये एक बेनिफिट रहा कि हम एक आर्काइव बिल्ड करें जिसको कभी भी कोई भी लाइब्रेरी ने एजुकेटर्स एक्सेस कर सकते हैं और वो अपने स्टूडेंट्स और अपने मेंबर्स के साथ भी उसे बांट सकते हैं। तो आप इन चारों में से कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे वो डिपेंड करता है आपकी जरूरतों पर और आपके मेंबर की नीड पर। मैं इसको स्किप करूँ क्योंकि इस पर ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है कि किस किस तरह के अलग अलग कॉन्टेंट हम प्रिपेयर करते हैं। बट नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत जरूरी है क्योंकि हम बात कर रहे थे कि हम कितने अलग अलग तरह के कंटेंट बनाते हैं एंड ऑल दैट कंटेंट गोज थ्रू अ वेरी स्ट्रिक्ट एडिटोरियल प्रोसेस। उसकी क्वालिटी और उसकी डाइवर्सिटी को एंश्योर करने के लिए एक वो बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस के थ्रू गुजरता है। और इस प्रोसेस के बारे में सुमित बताएंगे जो कि इस एडिटोरियल टीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सो सुमित। हम ये ब्रेकआउट रूम में करने वाले थे। राइट, जस्ट अ सेकंड, क्या हम इसे अभी यही कंटिन्यू कर सकते हैं? हाँ ओके, आई थिंक अगर आप और आप इसे करें देन जोया कैन समराइज इट।
हाँ मतलब मैं शुरू कर सकता हूँ, और कुछ भी जैसे रह जाएगा तो जो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। या आई थिंक डेफिनेटली सुमित गो अहेड एंड आई थिंक ये बहुत ब्रीफ भी हम रख सकते हैं. ग्रेट, गो अहेड. ठीक है। तो जैसा अभी प्राची मैम ने सबको बताया कि किस किस तरीके से हम दुनिया सबकी को हमने सेटअप किया और चीज़ें क्या क्या रही, तो जैसा प्राची मैम ने जब बात की कि हम जो भी कंटेंट भेज रहे हैं तो हम उसकी क्वालिटी का बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो उसके लिए ही ये पूरा एडिटोरियल प्रोसेस है, उसको ध्यान में रखने के लिए। और उसमें अलग अलग चीज़ें में डिवाइडेड है, जैसे पहले कॉन्टेंट बनाना, फिर रिव्यू करना कॉन्टेंट को, फिर उस पर फीडबैक शेयर करना, और उसके बाद उसे शेयर करना। तो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, मतलब इन सब प्रोसेस के लिए हमारी टीसीएल पे स्टाफ की टीम्स डिवाइडेड है, पर कंटेंट बनाने के लिए ऐसे कोई टीम नहीं है, क्योंकि वो हम सब लाइब्रेरियंस की जिम्मेदारी है, जिससे मेंबर्स को हर लाइब्रेरियन के अलग अलग तरीके के रीड अलाउड मिलता है। हर लाइब्रेरियन, स्टूडेंट लीडर, इंटर्न लीडर, हमारे वॉलंटियर्स, हम सभी रीड अलाउड बनाते हैं। और कंटेंट में सिर्फ रीड अलाउड नहीं है, सिर्फ रीड अलाउड तक सीमित नहीं है, वो जानकारी, जैसे कोई ज़रूरी जानकारी हमें देनी, जैसे लास्ट ईयर हम स्कूल की एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, हम कोरोना से रिलेटेड जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, राशन से, तो उन सब जानकारी को ढूंढना भी लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी है, कि वो उन सब जानकारियों के बारे में रिसर्च करे, उनको ढूंढे और उनको इकट्ठा करके एक कॉन्टेंट बनाए, चाहे वो वीडियो में हो सकता है, वो पोस्टर में हो सकता है, वो PDF फॉर्मेट में हो सकता है। तो उन सबको क्रिएट करके कॉन्टेंट को वो उसके बाद अपलोड करते हैं, उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं, जो भी हमारी रिव्यू टीम है वो उसको रिव्यू करती है। रिव्यू टीम में हम 2-3 ही लोग हैं, और रिव्यू करने के हमारे कुछ 2-3 चीज़ें हैं, कि हम उसको तो टेक्निकल उस पर रिव्यू करते हैं, और उसके बाद कंटेंट के उस पर। टेक्निकल रिव्यू में हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो भी रीड अलाउड बना है, या कोई पोस्टर बनाया, या कोई भी PDF बनाया, वीडियो या ऑडियो में हम ये देखते हैं कि उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ तो ज़्यादा नहीं है, क्या आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है, क्या वीडियो की क्वालिटी सही है, अगर वीडियो की जो साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसको मेंबर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी की तो सारी बात है, तो अगर उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि इंटरनेट तो हमारे देश में इक्वालिटी की बात नहीं करता, वो लग्जरी है, बहुत कम लोगों के पास वो पहुंच पाता है, तो उसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि साइज बड़ा है तो उसको कंप्रेस करके छोटा करना, और किसी पोस्टर में या किसी जानकारी में कोई स्पेलिंग एरर्स हैं या कुछ है, या कोई जानकारी ऐसी है जो शायद सही नहीं है, उसको प्रूफ कर, उसको देखना बार बार चेक करके, कि अच्छा ये सही है, अभी ये ठीक जानकारी, हम ठीक जानकारी पहुंचा रहे हैं। तो उस तरीके से एक रिव्यू टीम उसको पूरे कंटेंट को रिव्यू करती है, टेक्निकल टीम उसको रिव्यू करती है, उसके बाद कंटेंट रिव्यू को, जैसे कहानी इंक्लूसिव है या नहीं है, क्या रीड अलाउड ठीक तरीके से हुआ है, क्या उसमें थिंक अलाउड है या नहीं है, इस तरीके से हम उसको कंटेंट को रिव्यू करते हैं। और रिव्यू करने के बाद सिर्फ वहां तक नहीं छोड़ते कि अच्छा किसी लाइब्रेरी ने रिकॉर्ड किया और उसको रिव्यू करके छोड़ दिया, हम उसके बाद उसका फीडबैक शेयर करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि फीडबैक शेयर करने से ही हम उसमें और इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे, क्योंकि दुनिया सबकी हमने 1 साल पहले ही बनाया, और कोशिश है कि वो इम्प्रूव होता रहे और वो और बेहतर तरीके से चल पाए, और आसानी से वो चल पाए और आसानी से मेंबर्स तक पहुंचे चीज़ें। तो उसके बाद हम उसको रिव्यू करने के बाद फीडबैक शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, कि अच्छा हाँ आपके रीड अलाउड में ये बहुत अच्छा था, बट क्या ये ठीक हो सकता है, आपके रीड अलाउड में ये बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज़्यादा है, ये टेक्निकल टीम में हम एडिट करके भी नहीं हटा सकते, क्या आप इस रीड अलाउड को दोबारा रिकॉर्ड करेंगे। और फीडबैक शेयर करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उन्हें बताएं कि वो क्या ठीक कर सकते हैं और क्या नहीं, आप उनसे शेयर कीजिए कि वो क्या अच्छा भी कर रहे हैं, कि अच्छा आपके रीड अलाउड में मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से आपने इंट्रो दिया, जिस हिसाब से आपने कहानी का एंड किया, तो ये सब भी आप शेयर करते रहिए। और इन सब के बाद फिर हम पोस्ट क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये तो कॉन्टेंट क्रिएट हो गया, रिव्यू हो गया, अब जो पूरा एक पोस्ट जो कंटेंट है जाने के लिए तैयार हो गया, तो उसको किस तरीके से शेयर किया जाए। फिर उसको शेयर करने के लिए हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, कि हम अगर रीड अलाउड भेज रहे हैं तो हम उसका वीडियो और ऑडियो भेजेंगे, ताकि अगर कोई वीडियो नहीं सुन पा रहा है इंटरनेट की वजह से तो वो ऑडियो को सुन पाए, अगर हम कोई पोस्टर वगैरह भेज रहे हैं तो वो इमेज फॉर्मेट में भेजेंगे, जैसे आप यहाँ पे दुनिया सबकी के इशू को देख भी सकते हैं। और इसमें हम कैप्शन इंक्लूड करते हैं, जो बहुत छोटे कैप्शन होते हैं, हम कोशिश करते हैं उन कैप्शन में कि कोई एक या दो ऐसे सोचने वाले कुछ उसमें बात लिखी हो, उसमें कहानी का नाम लिखा हो, और उसमें थोड़ा उनको गाइडेंस हो कि अच्छा आप वीडियो देख सकते हैं, अगर आप वीडियो नहीं देख सकते हैं तो आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, आप कहानी को सुनते वक्त इस बारे में सोच सकते हैं, अच्छा इस कहानी का नाम ये है, इस तरीके से उस पूरे कैप्शन में ये छोटी छोटी चीज़ें इंक्लूड रहती है। और कैप्शन को बहुत छोटा रखने की कोशिश की जाती है, कि ऐसा ना हो कि वो कैप्शन बहुत बड़ा हो और कैप्शन देख के ही हमारे मेंबर्स को लगे कि अच्छा ये क्या, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है मैं इसको नहीं सुनूंगा। तो हाँ ये है। और उसके बाद जैसा प्राची मैम ने बताया कि हम इनको किन किन फॉर्मेट्स में शेयर करते हैं, हम इनको व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं, यूट्यूब पे हम इनको अपलोड करते हैं, हमारे पेज पे, हमारी वेबसाइट पे, दुनिया सबकी पे हमने क्रिएट कर रखा है, उधर शेयर करते हैं, और टेलीग्राम के बारे में भी जैसा प्राची मैम ने आपको
बताया। तो ये प्रोसेस है जो सब हम करते हैं, इसमें बहुत सोच की ज़रूरत है, हम सोचते रहते हैं इसके बारे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचते रहें। और हाँ, जैसा प्राची मैम ने पहले भी बोला कि आपका मकसद क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है कोई भी दुनिया सबकी इशू भेजने से पहले। हमारे इस टाइम पे डिवाइडेड है टाइम्स में कि हम मंडे वेनेसडे और फ्राइडे भेजते हैं, मंडे हम पिक्चर बुक भेजते हैं, वेनेसडे को हम अडल्ट या यंग अडल्ट्स के लिए कोई कविता या कोई कहानी, जैसे जो हम डिफिकल्ट थीम्स की बात कर रहे थे उस तरीके की चीज़ें भेजते हैं, और फ्राइडे को हम कोई एक्टिविटी या साइंस से रिलेटेड कहानी भी भेजते हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम टेबल, आपका शेड्यूल, आपकी चीज़ें बनी रहें तो वो बहुत बेहतर रहता है इसमें, बच्चों के लिए भी और आपके लिए। हाँ, अगर जोया कुछ भी आपको लगता है इसमें ऐड करना है तो आप प्लीज़। सुमित, आई थिंक यू डिड अ ग्रेट जॉब एक्सप्लेनिंग कि कैसे हम देखते हैं कि हमारा हम जो भी शेयर करते हैं वो अच्छा हो, वो इंक्लूसिव हो और मीनिंगफुल हो, और सबसे ज़्यादा कि वो लोग एक्सेस कर पाए, और हर चीज़ कैप्शंस, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट सब, और रूटीन, हर चीज़ इसी से इसी सब चीज़ों को साथ बांधती है हर इशू को लेकर. तो आई थिंक यू हैव कवर्ड एवरीथिंग. वी हैव अब हमारा टर्न एंड टॉक का समय आ गया है. शायद आप सबके लिए भी डिजिटल लाइब्रेरी की बात नई है. कई लोगों के लिए शायद वो अभी भी चला रहे हैं अपने एंड पर कोई डिजिटल लाइब्रेरी या फिर कोई डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम. तो इसके आगे वी हैव सम क्वेश्चंस. हमारे पास कुछ कुछ सवाल हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं. प्राची, मे आई पोस्ट अ सजेशन? कैन वी इंटीग्रेट द लास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन विद इन दिस ब्रेकआउट रूम सेशन ओनली, बिकॉज दैट इज आस्किंग आवर पार्टिसिपेंट्स टू इमेजिन हाउ दे वुड यूज अ डिजिटल लाइब्रेरी. यस, दैट मेक्स सेंस. सो इफ वी कैन जस्ट पुट दैट क्वेश्चन इनटू द करंट ब्रेक थ्रू, इट विल बी आल्सो मोर कॉम्प्रिहेंसिव. सो डू यू वांट टू गो इनटू टू ब्रेकआउट रूम्स, टू लार्ज ब्रेकआउट रूम्स? हाँ. एंड देन वो लास्ट वाला जो सेगमेंट है, we've then basically covered it, so we can move on. ठीक है, I'll open the breakout rooms now. हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन. बहुत सारे सवालों के साथ हमने ये लास्ट सेशन किया एंड हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पर हमारा पिछला सेशन खत्म किया. आई डोंट नो दूसरे ब्रेकआउट रूम में क्या चर्चा चल रही थी, बट हमारे ब्रेकआउट रूम में लास्ट चर्चा ये थी कि बहुत सारे मेंबर्स हैं हमारे जो जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो कीपैड वाला फोन यूज कर रहे हैं, या स्मार्टफोन है पर इंटरनेट नहीं है, तो उन तक वो डिजिटल कंटेंट कैसे पहुंचाया जा सके, खास तौर पे अभी जब लाइब्रेरी बंद है. और उसका कोई सीधा जवाब तो नहीं था, पर पूर्णिमा ने एक बहुत जरूरी बात बोली कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको जिसका कोई अगेन कोई सीधा जवाब नहीं है, लेकिन जरूरी है कि हम लोग सवाल पूछते रहे, हम लोग एजिटेट करते रहे और हम लोग डिमांड करते रहे कि सबको वो हक मिले, कि उन कि ये सारे जो बैरियर्स बन गए हैं एजुकेशन के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए, इन बैरियर्स को हटाया जा सके. शायद हम चाहकर सबके हाथ में स्मार्टफोन नहीं पकड़ा सकते, पर हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि सबके हाथ में क्यों वो सुविधा नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन और एजुकेशन को एक्सेस कर पाए या हेल्थ केयर को एक्सेस कर पाए. और जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि ये सवाल यहाँ पर खत्म नहीं हो सकता, इन 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 बा इन सब बातों पर चर्चा हमें आगे भी करती रहनी चाहिए, इस वर्कशॉप के बियॉन्ड भी करते रहना चाहिए. और यही हम सबकी फ्री लाइब्रेरी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा मकसद है कि सबके पास इंफॉर्मेशन और अच्छी एजुकेशन और रीडिंग और थिंकिंग को एक्सेस हो. तो इस बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्वर्जेशन के साथ मैं आप सबको थैंक यू करना चाहूंगी कि आप लोग आए, 2 दिन हम लोगों के साथ रहे इस लंबी बट आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मजेदार वर्कशॉप में. आई होप आप जब आए और आप वापस जा रहे हैं तो आप काफी कुछ अपने साथ लेकर जा रहे हैं. मुझे पता है मैं बहुत कुछ सीख कर यहाँ से जा रही हूँ. हम लोग चाहेंगे कि आप सभी से हम लोग सुने कि आपका ये अनुभव कैसा रहा और आप क्या चाहेंगे कि इस वर्कशॉप में क्या बदला जा सकता था, आपको क्या लगता है कि कहाँ ये बेहतर किया जा सकता था या कहाँ पर ये बेहतर किया गया. बट एट द सेम टाइम वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस वर्कशॉप ऑन अ वीकेंड.
giving us both your Saturday and your Sunday and bringing so many insights. Itne khas aur zaruri ideas ke saath aap aaye, discussions mein participate kiya and made this workshop an enjoyable experience. So thank you so much. हम लोग आप सभी के साथ आफ्टर दिस वर्कशॉप वी विल आल्सो शेयर सम मटेरियल. हम कुछ जरूरी मटेरियल शेयर करेंगे जो इस वर्कशॉप से जुड़ा हुआ होगा एंड काफ़ी मटेरियल एंड आप में से कई लोगों ने एक्सप्रेस किया इंटरेस्ट किया आप दुनिया सबकी के साथ जुड़ना चाहेंगे. अगर आप TCLN से जुड़े हुए हैं तो आप प्लीज़ पूर्णिमा को रीच आउट करें. इज दैट राइट पूर्णिमा? एंड पूर्णिमा आपको हेल्प करेंगी टू कनेक्ट विद द दुनिया सबकी टीम और वो आपको वो और दुनिया सबकी टीम आपको चैनल से जुड़ने में मदद करेंगे. पूर्णिमा आपको जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर? हाँ, एक तो मैं पहले ये ईमेल एड्रेस डाल दूँ. अगर TCLN से कोई भी मुझे कांटेक्ट करना चाहता है इस इन दो दिनों के किसी भी मुद्दे पर, बट आई जस्ट वॉन्ट टू द कम्युनिटी लाइब्रेरी नेटवर्क के बिहाफ पे मैं आई वॉन्ट टू थैंक एवरीबडी जो हम आज आए, आज भी कल भी आए. और मैं एक जरूरी बात बोलना चाहती हूँ नेटवर्क के बारे में कि ये किसी एक संस्था की नेटवर्क नहीं है. बेशक TCLP के सपोर्ट से ये दो दिन की वर्कशॉप बनी, लेकिन ये TCLN आप सबकी है. तो जैसे प्राची ने बोला कि मटेरियल्स भी शेयर करेंगे, लेकिन फीडबैक भी हम आपसे लेना चाहेंगे, तो एक फीडबैक फॉर्म भी हम सबको भेजेंगे. प्लीज थोड़ा सा वक्त और निकाल के उसको आंसर कीजिए, क्योंकि उसमें हम आपसे जानना चाहते हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं जो शायद यहाँ पे हमने एक्सप्लोर नहीं किए उन दिनों में, इन दो दिनों में, लेकिन आपके लिए वो बहुत जरूरी मुद्दे हैं. या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिसके बारे में नॉलेज शायद हमको नहीं है, क्योंकि आने वाले कुछ महीनों में हम लोग TCLN स्पेसिफिकली और ऐसे सेशंस, छोटे सेशंस होंगे, वो दो दिन वाले नहीं होंगे, हम करना चाहते हैं जिसमें आप भी फैसिलिटेटर बन सकते हैं. तो प्लीज हमसे कनेक्टेड रहिए. आई थिंक ऑल ऑफ यू, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू जो TCLN से जुड़े हैं वो हमारे व्हाट्सएप ऑल मेंबर ग्रुप के बारे में जानते हैं. अगर नहीं जानते तो तुरंत मुझे ईमेल करिए, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगी. मैं यहाँ पे किसी के नंबर नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये पब्लिक फोरम है और आपका नंबर फिर पब्लिक हो जाएगा. आगे जाके अगर आपको TCLN में हमारे लीडरशिप या प्लानिंग में कोई रोल अदा करना है तो हमारे पास एक कोर ग्रुप भी है. हम लोग अभी वेलकम कर रहे हैं लोगों को जिनको और करीब से एसोसिएट होना है. जैसे TCLP बस एक मेंबर है, जैसे ऋतुपर्ण असम से एक मेंबर है, तो आप भी ऐसे एक मेंबर बन सकते हैं उस प्लानिंग और लीडरशिप ग्रुप के. आने वाले दिनों में बहुत और चीजें हम प्लान करेंगे, होपफुली ये साल अच्छा जाएगा. टू माई वंडरफुल TCLP के साथी, आई होप दीज टू डेज हेल्प टू रिन्यू योर कमिटमेंट टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्क दैट वी डू. We are in the middle of a storm in this city with COVID-19, and in the coming weeks we will all have to step up in ways that we didn't expect perhaps before the pandemic. But as the last year has shown us, the pandemic has changed the way we thought we would be librarians or volunteers or whatever. But I have always found hope. मुझे हमेशा इस बात से काफी encouragement और hope मिला है कि जब थिंग्स बहुत होपलेस होते हैं तो मेरे पास ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे ये डिस्पेयर को एक फोकस और कंस्ट्रक्टिव बेंट देता है. सो एज वी ऑल वर्क फ्रॉम होम, दोज ऑफ अस हु आर इन सिटीज विच आर इन लॉकडाउन, बट डेफिनेटली माई TCLP कॉलीग्स, एज वी ऑल वर्क फ्रॉम होम, आई promise you the work of the free library will not be any less significant because you are working from home. This is to all the volunteers also who may be feeling discouraged that the centers are closed again, libraries are closed again. So to TCLP, to TCLN, to all people who fight for free libraries, thank you for your solidarity in the free library movement. Free library andolan ko chalaye rakhne ke liye dhanyawad. And yep, I think that's it. You made it to the end of 2 days.